पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, रोड शो में जमकर उमड़ी भीड़, पीएम ने जनता का अभिवादन किया। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर के समर्थन में पीएम मोदी का रोड शो, रोड शो में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। पटना में पीएम के रोड शो पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा हम जॉब शो कर रहे हैं और पीएम रोड शो कर रहे हैं, पीएम ने अभी तक बिहार को लेकर 5 साल का विजन क्लियर नहीं किया। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सोमनाथ भारती के समर्थन में सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो, रोड शो में पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल, जनता से वोट की अपील। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने रोड शो किया, सड़कों और घर की छतों पर खड़े लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। लोकसभा के लिए कल चौथे चरण के लिए मतदान, 10 राज्यों के 96 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, बूथ स्थलों पर पहुंचे मतदान कर्मी, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी 13 मई को करेंगे 4 जनसभाएं, 17 मई को रायबरेली, अमेठी में अखिलेश राहुल की संयुक्त जनसभा। कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, शाम 5 बजे करेंगे रोड शो, 14 मई को सुबह काल भैरव की पूजा के बाद बतौर बीजेपी प्रत्याशी करेंगे नॉमिनेशन। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने मंच से लगाया जय श्री राम का नारा, कहा जब तक मोदी है बंगाल को रामनवमी मनाने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस के गढ़ में अमित शाह ने भरे हुंकार, बोले चुनाव जीतने के बाद नहीं आता गांधी परिवार, रायबरेली में इस बार कमल खिलाने की अपील। यूपी की अमेठी सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के पक्ष में सीएम योगी की रैली, सीएम योगी ने स्मृति ईरानी को भारी मतों से जिताने की अपील। यूपी के बाराबंकी में अखिलेश यादव की रैली, कहा जनता संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करे, बीजेपी झूठी गारंटी देकर फैला रही है भ्रम। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा 10 सालों में पीएम एक बार भी किसी गांव में नहीं गए, किसानों की समस्याओं को नहीं सुना, सिर्फ पूंजीपतियों को पहुंचाया लाभ। हरियाणा के करनाल में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर, घर घर जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने दी 10 गारंटी, कहा सत्ता में आने के बाद दिल्ली की तरह बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़ी हुई हर गारंटी होगी पूरी, मोदी की गारंटी पर सवाल उठा। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर हमला बोला, कहा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करता था वो अब गंभीर भ्रष्टाचार में सलाखों के पीछे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर विधायकों की बैठक हुई, मौजूदा हालात पर रणनीति को लेकर मंथन किया गया। बैठक में आम आदमी पार्टी के विधायकों को मिला केजरीवाल का मंत्र, विधायकों के मुताबिक सभी ने अपने अपने इलाके की समस्याओं से अवगत कराया। विधायकों के साथ बैठक के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, कहा बीजेपी की कोशिश दिल्ली सरकार गिराने की थी लेकिन बीजेपी का प्लान हुआ फेल, भविष्य में आम आदमी पार्टी संभालेगी देश की कमान। केजरीवाल की हनुमान आराधना पर सीएम धामी का हमला, कहा हनुमान जी और शराब का दूर दूर तक रिश्ता नहीं, ऐसे में बजरंग बली कैसे दे सकते हैं आशीर्वाद। नरेंद्र मोदी को 3री बार पीएम बनाने के लिए प्रयागराज में रुद्र महायज्ञ का आयोजन, समर्थकों ने जीत की हैट्रिक के लिए विशेष पूजा। यूपी के कौशाम्बी में अमित शाह की रैली, कहा चौथे चरण के बाद 250 सीटों का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी, एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। सीतापुर की चुनावी सभा में इंडिया गठबंधन पर गरजे सीएम योगी, कहा पाकिस्तान और इंडिया गठबंधन के नेताओं का डीएनए मिलता जुलता। वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया, दीनदयाल उपाध्याय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। विधि विधान से खुले विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। दिल्ली के 2 हॉस्पिटल्स और दिल्ली एयरपोर्ट में आया बम की धमकी से भरा हुआ ईमेल, ईमेल के बाद मचा हड़कंप, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। दिल्ली के चांदनी चौक में किनारी बाजार में एक दुकान में आग लग गई, आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान में उठी, फायर ब्रिगेड ने 13 गाड़ियों के वजह से आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बदला मौसम, बारिश के साथ हुई बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ से सफेद चादर, बागवानों को काफी नुकसान हुआ। तमिलनाडु में कई इलाकों में भारी बारिश, मदुरई में जगह जगह भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। कर्नाटक में भी मौसम का बिगड़ा मिजाज, धारवाड़ इलाके में कई जगहों पर बारिश हुई, हुबली में बारिश की वजह से लोग हुए परेशान। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, 3 की मौत, कई घायल।